Welcome class here online classes of science. I am K.N. Mishra, your science teacher. Class, at present we are studying a chapter from science 2, science second, which is the cell. Students, as you know that cells are the basic structural and functional unit of life. ये बात तो सभी लोग जानते हैं. कोई भी ऑर्गेनिज्म हो, वो लिविंग हो, whether it is plant or animal, any insect or elephant or dolphin or any small ant, कोई भी हो, the body of all these animals are made up of same types of cells. सभी के बॉडी की यूनिट वही सेल ही है, चाहे सबसे बड़ी व्हेल हो. As you know, elephant is the biggest animal of land. लैंड का बिगेस्ट एनिमल एलिफेंट को कहा गया है और अर्थ का सबसे बिगर एनिमल कहा गया है डॉल्फिन को. तो वेदर इट इज द बॉडी ऑफ डॉल्फिन और एलिफेंट और स्मॉल एंट, द बॉडी ऑफ ऑल दीज ऑर्गेनिजम्स आर मेड अप ऑफ वेरी स्मॉल टाइनी यूनिट्स नोन एज द सेल. ऑफ कोर्स सेल्स आर द बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ life. Not only animals, plants are also living. So the body of plant is also made up of very small tiny particles which are known as the cell. Not only animals but plants are also made up of small tiny cells which are the basic structural and functional unit of life. एक जगह थोड़ा सा मिस हुआ है, हम आपको बता दे रहे हैं बच्चों. वो द लार्जेस्ट एनिमल फाउंड अपॉन द सर्फेस ऑफ द अर्थ इज नॉट डॉल्फिन, इट इज व्हेल, ब्लू व्हेल. आपने डॉल्फिन वहाँ पे दिमाग में था, आपने बोल दिया. व्हेल इज द लार्जेस्ट एनिमल प्रेजेंट अपॉन द सर्फेस ऑफ द अर्थ. ठीक है जी. और एक बात और, जो ब्लू व्हेल है या व्हेल है, ये मैमेलियन है, मतलब हम लोगों की कैटेगरी में आती है. जो कैरेक्टर्स हम लोगों के हैं वही कैरेक्टर्स मेल का है. ये चीजें हम लोग आगे चलते नेक्स्ट क्लासेस में पढ़ेंगे. अभी थोड़ा सा सेल के बारे में जानते हैं. एज यू नो स्टूडेंट्स, द बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ इज सेल, बट दिस सेल इज डिफरेंट इन प्लांट एंड एनिमल्स. प्लांट सेल इज डिफरेंट फ्रॉम एनिमल सेल, दोनों अलग अलग होती है. हम आपको एक जगह डायग्राम बना करके ये शो कर रहे हैं कि क्या प्लांट सेल में होता है और एनिमल सेल में नहीं होता. ठीक है जी, चलिए देखते हैं. कंपैरेटिव डायग्राम यहाँ पे हम ड्रॉ कर रहे हैं. कंपैरेटिव डायग्राम में हम यहाँ देखेंगे कि प्लांट सेल is made up of rigid, hard, very thick cell wall. Plant cell is made up of very thick cell wall. This is cell wall. हम ऐसे छोटा लिखे, शॉर्ट में लिखेंगे, आप समझ जाइएगा ये cell wall है. ठीक है. Whereas in animals there is no cell wall, cell membrane is present at the place of cell wall. This is cell membrane. हर जगह हम शॉर्ट वर्ड यूज करेंगे अग्रिमा, हर जगह शॉर्ट वर्ड यूज करेंगे, आपको समझना होगा. रिया चौधरी, आशुतोष कुमार, ठीक है, आप सब लोग ये बात समझ लीजिए. CM सेल मेम्ब्रेन, आप कॉपी में CM मत लिखिएगा, सेल मेम्ब्रेन लिखिएगा. और एक बात और, हम हमेशा कहते हैं कि बुक को ओपन करके रखिए. जब ऑनलाइन क्लास आप स्टडी कर रहे हैं, बुक को ओपन करके रखिए, तो अपनी बुक ओपन करके रखिए. ठीक. नाउ इन प्लांट सेल जस्ट बीनीथ द सेल वॉल देयर इज सेल मेम्ब्रेन. Just beneath the cell wall, there is cell membrane.
हियर इज सेल्फ मेड. अंडरस्टैंड. नाउ इनसाइड द सेल्फ अ प्रॉम्प्ट न्यूक्लियस इज सीन इन प्लांट्स. दिस न्यूक्लियस इज डबल मेम्ब्रेनस इन स्ट्रक्चर. डबल मेम्ब्रेनस. दिस इज न्यूक्लियस. In animals also, a double membranous nucleus is present. जब nucleus double membranous होता है बच्चों, तो ऐसे nucleus को कहा जाता है well defined, well developed nucleus. ठीक है? तो well defined, well developed nucleus यहाँ पे animal cells में पाया जाता है. It is present in animals. Now यहाँ पे हमने न्यूक्लियस को थोड़ा सा किनारे की तरफ ड्रॉ किया है, यहाँ पे हमने न्यूक्लियस को सेंटर में ड्रॉ किया है. कोई रीजन होता होगा, एक रीजन होता है. वो रीजन ये है कि प्लांट सेल्स आर हैविंग वेरी लार्ज वैक्यूल्स अप्रोक्सीमेटली 70% वॉल्यूम ऑफ सेल इज एक्वायर्ड बाय दीज वैक्यूल्स. दीज आर known as vacuoles. हम आपको ये भी बता दें, और एनिमल सेल में वैक्यूल नहीं होते. वैक्यूल इज नॉट प्रेजेंट. इफ प्रेजेंट देन इट इज वेरी स्मॉल. यही वैक्यूल है. वैक्यूल्स आर नॉट प्रेजेंट इन एनिमल सेल्स. इफ वैक्यूल्स आर प्रेजेंट देन दे आर वेरी स्मॉल इन सेल. ये डिफरेंस है प्लांट सेल और एनिमल सेल. ठीक है. उसके बाद ये जो न्यूक्लियस है, इस न्यूक्लियस से जॉइंटेड इस तरह का एक स्ट्रक्चर निकलता है. दिस स्ट्रक्चर इज नोन एज एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम. दिस स्ट्रक्चर इज नोन एज एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम. दिस स्ट्रक्चर इज प्रेजेंट इन एनिमल सेल एंड इन प्लांट सेल बोथ. दोनों में होता है, इसमें भी होता है. हम हल्का सा बना दे रहे हैं, आप समझ लेंगे. ठीक है. अपॉन द सरफेस ऑफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम सम स्मॉल डॉट लाइक स्ट्रक्चर्स आर प्रेजेंट. सम स्मॉल डॉट लाइक स्ट्रक्चर्स आर प्रेजेंट हियर. दीज डॉट लाइक स्ट्रक्चर्स आर व्हाट बताइए. स्मृति कमलापुरी. टेल मी स्मृति कमलापुरी. दीज डॉट लाइक स्ट्रक्चर्स आर व्हाट. दीज आर राइबोसोम्स. दीज आर राइबोसोम्स. दीज राइबोसोम्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन. अंडरस्टैंड. अब यहां पे एक चीज बताना चाहेंगे. यहां पे भी आप बताते राइबोसोम प्लांट सेल में भी होते हैं, एनिमल सेल में भी होते हैं. इफ राइबोसोम्स आर प्रेजेंट अपॉन द सरफेस ऑफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम देन सच एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इज नोन एज आरईआर. मींस रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम. अगेन आई एम रिपीटिंग द सेम थिंग. इफ राइबोसोम्स इफ दीज डॉटेड स्ट्रक्चर्स राइबोसोम्स आर प्रेजेंट अपॉन द सरफेस ऑफ endoplasmic reticulum, then such endoplasmic reticulum is known as RER, that is rough endoplasmic reticulum. And if these dotted structures ribosomes are absent upon the surface of endoplasmic reticulum, then such ER, such endoplasmic reticulum are known as SER. That is smooth endoplasmic reticulum. Clear? So endoplasmic reticulum or ER is of two type. SER is smooth endoplasmic reticulum and RER rough endoplasmic reticulum. Clear? Now after that, in plant cells chlorophylls are present. Suppose this is chlorophyll.
लास्ट लिख देना है क्लोरोफिल। तो क्लोरोफिल आर प्रेजेंट इन प्लांट्स नॉट इन एनिमल्स। दिस क्लोरोफिल पिगमेंट इज एब्सेंट इन एनिमल्स। सेल वॉल इज एब्सेंट इन एनिमल्स। समझ में आ रहा है? आगे एक स्ट्रक्चर होता है ऐसे, जिसको हम पावर हाउस कहते हैं, सेल का पावर हाउस, इस तरीके का स्ट्रक्चर इसमें भी होता है, इसमें भी ड्रॉ कर लेते हैं। दिस स्ट्रक्चर इज प्रेजेंट इन प्लांट्स एंड एनिमल्स बोथ, प्लांट सेल एंड एनिमल सेल बोथ। दिस स्ट्रक्चर इज नोन एज माइटोकॉन्ड्रिया। हम यहाँ पे MTC लिख रहे हैं, जानवी शुक्ला, MTC हम लिख रहे हैं, आप इसको माइटोकॉन्ड्रिया लिखेंगे, MTC मत लिखिएगा कॉपी में, माइटोकॉन्ड्रिया। आपकी बुक में पूरा नेम इसका दिया होगा, माइटोकॉन्ड्रिया जानवी, ठीक है। सो दिस स्ट्रक्चर इज नोन एज माइटोकॉन्ड्रिया, क्लियर। This mitochondria is present in plant cell also. Mitochondria is known as powerhouse of the cell because oxidation of glucose takes place at Christi of mitochondria. Mitochondria का एक part होता है जिसको हम Christi कहते हैं, उस Christi पर oxidation होता है glucose का, जिससे एनर्जी रिलीज होती है। आपको हम बताते हैं एक इक्वेशन हम लिख रहे हैं यहाँ पे, एनर्जी कैसे हमको मिलती है। आपको पता है आकाशी, आपको पता है हमको या किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म को सर्वाइव करने के लिए हर सेकेंड हर मिनट एनर्जी की नीड होती है। इवन व्हेन वी आर स्लीपिंग वी नीड एनर्जी, व्हेन वी आर जॉगिंग, व्हेन वी आर स्टडिंग, When we are listening any sweet song, when we are watching our favorite serials, we need energy. And from where this energy comes? This energy comes from oxidation of food, whatever we have taken in our meals. Understand the question? So, energy giving food is carbohydrate, and unit of carbohydrate is glucose. So, in our body, first of all, energy comes from glucose. कैसे? आपको एक इक्वेशन लिखकर दिखाते हैं। C6H12O6, इसी को हम ग्लूकोज कहते हैं जी। दिस इज ग्लूकोज। ठीक है, समझ में आ रहा है? दिस इज ग्लूकोज। अगर हम ऑक्सीजन इसको मिले, ग्लूकोज को अगर ऑक्सीडेशन ऑक्सीजन मिले, तो ये ग्लूकोज ब्रेक हो जाता है। किस में ब्रेक हो जाएगा? ये ब्रेक हो जाएगा CO2 प्लस H2O प्लस ATP। और कितनी ATP? 38 ATP। सतेश मणि त्रिपाठी, समझ में आ रहा? विभोर चौधरी, अटेंशन दिया। अमन चौधरी, अटेंशन दिया। रोली C6H12O6 इज ग्लूकोज मॉलिक्यूल। व्हेन इट कंबाइंस विथ ऑक्सीजन मॉलिक्यूल, देन व्हाट हैपेंस? दिस ग्लूकोज breaks into carbon dioxide, water and energy. We obtain energy in this form, ATP. What is the full form of ATP? What is the full form of ATP? Mr. Love Kumar, Anokhi Agrahari, adenosine triphosphate. Adenosine triphosphate, and we and plants are able to take energy only in this form. Hum
जो आपके घर में बिजली का प्लग लगा हुआ है उसमें दोनों उंगली डाल के चार्ज नहीं हो सकते? रिया चौधरी, चार्ज हो सकते हैं क्या? जो आपका पावर प्लग लगा हुआ है जिसमें आप हीटर प्लग गीजर ये सब लगाते हैं, उसमें से दो वायर निकाल करके अर्थिंग और फेस वाला अगर हम पकड़ लें और चाहे कि मोबाइल की बैटरी की तरह हम चार्ज हो जाए, मज़ा आ जाएगा फिर तो, है ना। तो भी हम चार्ज नहीं हो सकते मोबाइल की बैटरी की तरह, हम एनर्जी कैसे पाते हैं? वी डोंट फाइंड एनर्जी इन फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिक करेंट, वी डोंट फाइंड एनर्जी इन फॉर्म ऑफ हीट, बट वी आर एबल टू टेक एनर्जी ओनली इन फॉर्म ऑफ एटीपी व्हिच इज एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। ठीक है, ऐसे हम, और ये रिएक्शन कहाँ होता है? ये रिएक्शन होता है इसी माइटोकॉन्ड्रिया में। दिस रिएक्शन टेक्स प्लेस इन साइड द माइटोकॉन्ड्रिया अब्बास काजी, सुन रहा है मैं? This reaction, this chemical biochemical reaction takes place inside the mitochondria because of this reason. Mitochondria is known as powerhouse of the cell. ठीक है बच्चों, और देखते हैं सेल के भीतर और structures. सेल के भीतर होता है ऐसे एक structure जिसको हम कहते हैं जैसे सिक्के के ऊपर सिक्का रखा हो, इस तरह का structure. ये plant cell में भी होता है, सिक्के के ऊपर जैसे सिक्का रखा हो इस तरह का स्ट्रक्चर, इसको हम कहते हैं गॉल्जी एपरेटस और गॉल्जी बॉडी। दिस स्ट्रक्चर इज प्रेजेंट इन बोथ सेल, गॉल्जी बॉडी और गॉल्जी एपरेटस दोनों सेम है, डिफरेंस नहीं है। तो ये हो गया आपका गॉल्जी एपरेटस। इसके बाद कुछ इसमें यहाँ पे राइबोसोम्स हमने बनाए थे, कुछ राइबोसोम्स इसमें इंडिपेंडेंट भी होते हैं, यहाँ पे इंडिपेंडेंट राइबोसोम बना देते हैं। दीज आर ऑल्सो राइबोसोम्स, दे आर इंडिपेंडेंट, दे आर नॉट अटैच अपॉन द सर्फेस ऑफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। क्लियर, समझ में आ रहा है आपके? अच्छा, इसके बाद इसमें लाइसोसोमिक स्ट्रक्चर होता है एनिमल सेल में भी और प्लांट सेल में भी, ऐसे लाइसोसोम। दिस स्ट्रक्चर इज नोन एज लाइसोसोम। दिस लाइसोसोम कंटेन्स वेरी कंसंट्रेटेड एंजाइम्स, लाइसोसोम कंटेन्स डाइजेस्टिव एंजाइम्स। ऑफ कोर्स एज यू नो स्टूडेंट्स, अग्रिमा पता है एंजाइम क्या करते हैं? पता है, एंजाइम्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर डाइजेशन ऑफ फूड। सो दीज एंजाइम्स विच आर प्रेजेंट इनसाइड द लाइसोसोम, दे आर आल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर डाइजेशन ऑफ फूड। ठीक है, लेकिन यहाँ पे नहीं, सेल के भीतर है तब फूड का डाइजेशन नहीं करेंगे जी, हम लोगों के पास स्पेशल एंजाइम्स होते हैं, उन एंजाइम्स के सेक्रेशन के लिए हम लोगों के पास स्पेशल ग्लैंड्स होती हैं। फॉर एग्जांपल आपने नाम सुना होगा लीवर का, आपने नाम सुना होगा पैंक्रियास का, ये सारी ग्लैंड्स हम लोगों के भीतर एंजाइम्स का सेक्रेशन करती हैं एंड दीज एंजाइम्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर डाइजेशन ऑफ आवर लंच मील डिनर ब्रेकफास्ट वॉट एवर यू हैव टेकन इन अ डे। तो दिस इज अबाउट सेल। कुछ और भी चीजें होती हैं वो भी आपको हम बताएंगे। यहाँ पे एक चीज हम बताना चाहते हैं, वैक्यूल्स बड़े क्यों होते हैं? व्हाई इन प्लांट सेल्स वैक्यूल्स आर सो लार्ज, पहली बात। दूसरी बात, व्हाई सेल वॉल्स आर प्रेजेंट ओनली इन प्लांट सेल्स नॉट इन एनिमल सेल्स, दूसरी बात। ठीक, एक एक करके बताते हैं आपको। ये इक्वेशन नोट कर लीजिएगा, इक्वेशन नोट कर लीजिए, यहां देखिए, जो सेल वॉल है, कंपोजिशन ऑफ सेल वॉल, कंपोजिशन सेल वॉल की कंपोजिशन देखिए क्या होती है। कंपोजिशन का मतलब क्या होता है? स्मृति कंपोजिशन मींस
कॉन्स्टिट्यूएंट्स एंड कॉन्स्टिट्यूएंट्स मीन्स जिन चीजों से मिलके वो बना हुआ है, बात समझ में आई? सो कंपोजिशन ऑफ सेल वॉल व्हिच इज प्रेजेंट इन प्लांट्स है, सेल वॉल इज सेलुलोज, सेलुलोज, और इसी सेलुलोज को हम लोग डाइजेस्ट नहीं कर पाते जी, सेलुलोज को हम लोग डाइजेस्ट नहीं कर पाते, वेयर कंपोजिशन ऑफ सेल मेम्ब्रेन, सेल मेम्ब्रेन इज bilipid protein layer, bilipid protein layer, layer. इसका मतलब क्या? bilipid protein layer इसका मतलब क्या? श्रीवास्तव तुम बताओ इसका मतलब क्या? bilipid protein layer means bi means no. लिक्विड मीन्स लिक्विड, ये तो लिक्विड है, फैट है, और प्रोटीन मीन्स प्रोटीन, तो इसका मतलब ये हुआ कि लिक्विड की दो लेयर हो और प्रोटीन की एक लेयर हो, प्रोटीन के बीच में एक लेयर हो, तो हम इसको कहेंगे कि बाई लिक्विड प्रोटीन लेयर है, ये प्रोटीन है और ये दो के दोनों लिपिड है, ये लिपिड है, ये भी लिपिड है, अगर ऐसा कॉम्बिनेशन हो तो हम इसको कहेंगे बाइलिपिड प्रोटीन लेयर। तो सेल मेम्ब्रेन ऑफ एनिमल सेल्स आर मेड अप ऑफ बाइलिपिड प्रोटीन लेयर, सेल मेम्ब्रेन ऑफ प्लांट सेल which is present just beneath the cell wall is also made up of bilipid protein layer, whereas cell wall of plants are made up of cellulose. Students, बहुत ज़्यादा हम लोगों ने पढ़ लिया आज सेल के बारे में, सेल के बारे में जो थोड़ा बहुत और बचा हुआ है वो भी हम जानेंगे नेक्स्ट ऑनलाइन वीडियो में। आप जरूर रिवाइज करिए, जिन बच्चों का हमने नाम लिया खासकर वो बच्चे जरूर रिवाइज करें, आज हम लोगों ने जितना पढ़ा व्हाट एवर वी स्टडीड टुडे रिवाइज वेरी थॉरली एंड स्टे होम बी सेफ स्टूडेंट्स, थैंक यू क्लास, थैंक यू।